पोहरी में स्वस्थ युवा स्वस्थ भारत मिशन के लिए जम्मू कश्मीर से पैदल यात्रा कर रहे लोगों का पोहरी में हुआ आतिशी स्वागत। नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में चलाई जा रही K2K वॉक फॉर हेल्थी इंडिया पद यात्रा जम्मू कश्मीर से होते हुए मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पोहरी नगर में पहुंची। स्वस्थ युवा भारत ड्रग्स फ्री इंडिया पेस्टिसाइड फ्री इंडिया की थीम लेकर चल रहे दीपक यादव व हीरालाल महावर का पोहरी में स्थानीय लोगों ने आतिशी स्वागत किया। इस अवसर पर हीरालाल महावर ने अपनी यात्रा के उद्देश्य और देशहित में यात्रा के महत्व को समझाया। साथ ही दीपक यादव ने जीवन में नशा न करने के फायदे बताए और नशे से होने वाले दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला। उसके बाद पोहरी के समाजसेवी रविकांत द्विवेदी ने यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी और आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मानवेंद्र राघव, अंकुर मुद्रल, नितिन पुराणिक, लाला चौहान, भरत शर्मा, संबयाल आदि उपस्थित रहे। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। के द्वारा जो पदयात्रा की जा रही है, कितने दिनों की पदयात्रा है, उसका क्या उद्देश्य है? जी सर, नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन परिवार के नेतृत्व में यह यात्रा 17 नवंबर को कश्मीर के लाल चौक से शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है स्वस्थ युवा स्वस्थ भारत। एक युवा या हमारे देश के जो युवा हैं कब स्वस्थ होंगे, जब वो नशे से दूर रहेंगे, जब नशा मुक्त भारत होगा। दूसरा, जो खाने में हम जो रसायन यूज कर रहे हैं, अर्थात खेती में जो आजकल ज़्यादा कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है, जिनसे कैंसर जैसी घातक बीमारियों का जन्म हो रहा है या ऐसी बीमारियां पनप रही हैं जिनका इलाज ढूंढना आज मुश्किल चल रहा है इस वैज्ञानिक दौर में भी, तो भारत को स्वस्थ बनाने के लिए इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक ठोस कदम उठाना जरूरी है। इसी की जागरूकता के लिए मेरे साथ भाई दीपक यादव हरियाणा करनाल से और मैं हीरालाल माहवर राजस्थान से इस थीम को लेकर चले हैं और हमने इस यात्रा का शेड्यूल 97 दिन का तैयार किया है और इसको पूरा करने का लक्ष्य 90 दिन का रखा है। जी सर।